दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफर में। फ्रेंड्स मेरे 7 लेक्चर चल रहा है आईआर से रिलेटेड। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके मेरे पुराने वीडियोस को देख लीजिएगा। मैंने इसमें प्रॉमिस कर रखा है कि मैं इसमें 1 ईयर करंट अफेयर्स जो 2018 के लिए 2018 प्रीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसको कवर करूंगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम आईआर प्लस एमसीक्यूज देखेंगे। पहले हम थोड़े से एमसीक्यूज भी देखेंगे क्योंकि लेक्चर नंबर 6 के अंदर हुआ क्या था कि मैंने पूरा लेक्चर तो दे दिया बट बाद में मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि मैंने एमसीक्यूज तो डाले ही नहीं। तो जिस वजह से पहले हम थोड़ा सा एक एमसीक्यू देखेंगे और अभी तक मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये एमसीक्यूज जो है लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक के थोड़ा मिक्सिंग टाइप में ताकि रिवाइज भी हो सके। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा यूएन को कवर करेंगे और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट हम एमसीक्यूज को देखते हैं और इसमें आंसर्स आप मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा और मैं आपको कमेंट में इसके आंसर्स में आपको जवाब जरूर दूंगा। और सेट टू सेट ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिएगा कि आखिर ये एमसीक्यूज अगर ये सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, ताकि आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जगे। और ये एमसीक्यूज मैंने वही रखे हैं जो मुझे लगता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हाईलाइट हुई हैं इस साल। तो बस मैंने उन्हीं एमसीक्यूज को ही रखा है क्योंकि मेरा टारगेट यही बना है कि कम पढ़ाओ अच्छा पढ़ाओ, दैट्स इट। तो चलिए पहला एमसीक्यू देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ट्रिपल तलाक से रिलेटेड एक थोड़ी बहुत तो कंट्रोवर्सीज बनी बनी साइड टू साइड। फिर हमने ये भी देखा कि हाल ही में एक जो एनडीए गवर्नमेंट ने भी हाल ही में एक हज से रिलेटेड काफ़ी बड़ा एक स्टैंड लिया है सच बताएं तो, और काफ़ी अच्छा स्टैंड भी लिया है सच बताएं, क्योंकि ताकि वुमेन्स को समानता इक्वलिटी का व्यवहार हो। तो यस मैं बोल सकता हूँ हाँ ये एक अच्छा स्टैंड भी है। तो उसी से रिलेटेड कि आखिर हज कमेटी अगर बात करें आखिर कौन ये किसके अंडर आती है, क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। देखिए अगर यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा समझें तो देखिए क्वेश्चन में ये और ये तो हो सकते हैं अगर किसी को नहीं पता हो तो। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का देखिए कोई रोल है नहीं, तो एनिमेशन राउंड के थ्रू आपका सी एंड डी तो देखिए कट सकता है क्योंकि सोशल जस्टिस यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, सिंपल सी बात है, हज से रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर हो सकता है या फिर एक्सटर्नल अफेयर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो गाइज इसी तरह ही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से ही एमसीक्यू खेलें ताकि रॉन्ग क्वेश्चंस को एलिमिनेट करें और राइट आंसर तक पहुंचने की जो है कोशिश करें। सेकंड एमसीक्यू है दोस्तों, सेकंड एमसीक्यू ये कहता है कि भाई क्रोएशिया एक आपकी स्पेशली एक कंट्री है, तो उससे रिलेटेड उसमें बताया गया है कि फाइनली इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया कि भाई ये एक लैंडलॉक कंट्री है कि हाँ इसके आसपास जो है बिल्कुल स्थल भाग है अगर बात करें तो, कुछ इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं। साथ में इसने ये भी बोला कि भाई जो ये कंट्री है वो हंगरी या आपका स्लोवेनिया साइबेरिया से जो है इसका बॉर्डर्स के मिलते हैं। साथ में फिर ये भी बताया गया कि भाई जो यूगोस्लाविया है वो उसका एक पार्ट है। तो उसमें बताया गया इसमें से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई कौन से आंसर्स सही हैं, 1, 2, 2, 3, 1, 3 और ऑल ऑफ द अबव, इसमें बस यही पूछा गया। तो आप प्लीज़ जो कमेंट के अंदर आप मुझे जरूर बताने की जो कोशिश कीजिएगा। थर्ड एमसीक्यू पे चलते हैं दोस्तों। थर्ड एमसीक्यू इसमें ये कहता है कि जो बिम्स्टेक है जिसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, उसके बारे में ये एक स्टेटमेंट बोलता है कि भाई बिम्स्टेक के बारे में एक स्टेटमेंट कंसर्न कीजिए। वो ये कहता है कि ओनली कंट्री एक्सपोज टू बे ऑफ बंगाल आर मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। वो ये कहता है कि सिर्फ जो बे ऑफ बंगाल की जो बे ऑफ बंगाल में जो कंट्रीज लगते हैं बस वही इस बिम्स्टेक के जो स्पेशली हैं, और ये बोलते हैं कि जो इसका हेड क्वार्टर है वो ढाका यानी बांग्लादेश में। तो इसकी कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन टू और नाइदर वन और टू। नेक्स्ट चलते हैं। ये बोला गया कि भाई ज्वाइंट जो कम्प्रेंसिव प्लान ऑफ एक्शन रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, वो बोलते हैं कि हाल ही में न्यूज़ में काफ़ी दिनों से चल रहा है कि ज्वाइंट कम्प्रेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किससे रिलेटेड है। तो चिलकॉट रिपोर्ट से रिलेटेड है ए इसमें ऑप्शन है, बी इसमें है आयरन ईरान न्यूक्लियर डील से है, सॉरी इंडिया आयरन न्यूक्लियर डील से है, सी है इसमें द हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस से है, या फिर नन ऑफ द अबव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। पेंगलोंग एग्रीमेंट इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, वो ये क्वेश्चन ये कहता है कि भाई जो पेंगलोंग एग्रीमेंट हाल ही में न्यूज़ के अंदर देखने को मिला तो कौन सी कंट्री से जो है बिलोंग रखता है। क्वेश्चन इसमें आपका नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, बर्मा नाओ म्यांमार, वियतनाम और कंबोडिया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ बेसिक कंट्रीज, भाई बेसिक अगर जिसको फुल फॉर्म पता हो तो बोलते हैं कि आखिर कौन से इसके जो है मेंबर जो इसमें जो है कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट नहीं करती। पहला इसमें कमेंट्स में दे रखे हैं कि इंडोनेशिया, कंबोडिया, भूटान और साउथ अफ्रीका। आपको जो कोड सेलेक्ट करने हैं वो करने हैं 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, ओनली 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव।
जिसको इसका मीनिंग पता है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, स्टेट ऑफ जौहर, जो स्टेट ऑफ जौहर है वो किसके बीच में लोकेट करता है, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर में, या फिर सिंगापुर एंड मलेशिया में, या फिर यमन और दिजुबुती में, या फिर सऊदी अरेबिया और यमन में, अगर जिसने पढ़ रखा हो तो। क्योंकि देखिए क्वेश्चन यहाँ से मैंने साइड एंगल निकाला है मैड एंगल के थ्रू, ताकि आपको ये क्वेश्चंस भी जो है थोड़े बहुत पता होने चाहिए। इसलिए जैसे अभी हाल ही के अंदर गाजा स्ट्रिप काफ़ी फेमस रही है न्यूज़ के अंदर, तो ये क्या है, लैंड लॉक रीजन द मिडल ईस्ट, पार्ट ऑफ इजिप्ट, लैंड लॉक रीजन द नॉर्थ अफ्रीका, या फिर नन। अब देखो इतना तो पता चली गया, कॉमन सेंस ही बात है कि देखिए ये जो टॉपिक है ये नॉर्थ अफ्रीका का तो है ही नहीं, तो अब आपको इसमें से ढूंढना है कि आखिर इसमें से कौन सी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। तो गाइज MCQ नंबर 9 चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अल्जीरिया, जो अल्जीरिया जो बेसिकली अगर देखें अफ्रीका की कंट्री आती है तो उससे रिलेटेड इस जो कंसर्न करने के लिए बोला गया कि भाई ये जो इसकी जो बॉर्डर जो शेयर करते हैं वो करते हैं नाइजीरिया से, तुनिशिया से, मोरक्को से, लीबिया से। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि भाई इट वाज कॉलोनाइज बाय द स्पेनिश, ये स्पेनिश जो लोग थे, स्पेनिश जो कंट्री थी उसका ये उपनिवेशीवाद था। फिर मेडिटेरेनियन सी इज टू द वेस्ट ऑफ अल्जीरिया, वो ये कहते हैं कि जो मेडिटेरेनियन सी, जो भूमध्य सागर जिसको हिंदी में कहते हैं, वो जो है वेस्ट ऑफ अल्जीरिया से लगता है। तो स्टेटमेंट कौन सी सही है, 1, 2, 2, 3, 1, 3 और नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द H1B वीज़ा एंड L1 वीज़ा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई H1 वीज़ा और L1 वीज़ा काफ़ी सुर्खियों, एक्चुअली H1B जो वीज़ा काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बटोरे हुआ है हाल ही में, जो ट्रंप की पॉलिसी ने को चेंजेस किया कि भाई हम इसको नहीं छेड़ेंगे, अदरवाइज हमारे इंडिया के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो बाकी बहुत अच्छा कदम है ये अमेरिका की तरफ से। तो इसी रिलेटेड एक स्टेटमेंट है कि L1 वीज़ा इज नॉन इमिग्रेंट वीज़ा फॉर द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, वो होता है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा फॉर द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और H1 वीज़ा अलाउ इंडियन एम्प्लॉय टू टेम्परेरी एम्प्लॉय फॉरनर वर्कर इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन, कि भाई H1 वीज़ा के अंदर जो है इंडियन एम्प्लॉयर्स, मतलब इंडियंस जो एम्प्लॉय होते हैं उनको मतलब हायर किया जाता है US एम्प्लॉयर्स के द्वारा फॉर द टेम्परेरी बेसिस पे, जिनको स्पेशली कोई स्पेशली जो ऑक्यूपेशन में होते, लाइक किसी ने PhD कर रखी है, किसी ने हाई टेक चीज़ें कर रखी हैं, हाई टेक क्वालिफिकेशन है, तो उससे रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चंस जो आपको सिलेक्ट करने हैं वो है Only 1, Only 2, Both 1 and 2 और Neither 1 nor 2। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। अभी हाल ही के अंदर पाकिस्तान ने भी खुद काफ़ी ज़्यादा खुरपेच करने की कोशिश करी गई है ड्यू टू द रिलेटेड टू द कश्मीर, तो कहीं ना कहीं ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोला है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट जो है बेसिकली बोलने की कोशिश करी गई है कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर द मेंबर ऑफ द OIC, कि वो कहते हैं कि भाई जो इंडिया और पाकिस्तान है वो इसके मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के। सेकेंड बोल रहा है कि OIC रिगार्ड्स पार्ट्स ऑफ कश्मीर एज ऑक्यूपाइड बाई इंडिया, वही कहते हैं कि भाई ये OIC ने अपना कंसर्न जो है किया है कश्मीर से रिलेटेड कि भाई ये तो ऑक्यूपाइड किया गया है इंडिया के द्वारा जानबूझकर, और इट इज़ द हेड क्वार्टर एट आबू धाबी, वो बोलते हैं कि इसका जो हेड ऑफिस वो आबू धाबी यानी UAE में है। तो अभी हाल ही में आबू धाबी के शेख भी आए थे अल नैन साहब, आपको ये भी पता होगा। तो गाइज इसमें से आपको स्टेटमेंट जो बतानी है कौन सी करेक्ट नहीं है, तो Only 1, 1, 2, 1, 3 और नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंस। तो अभी हाल ही में यूनाइटिंग फॉर द कॉन्सेंस काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना रहा, आपने देखा भी होगा। इट वॉज डेवलप टू अपोज द एक्सपेंशन ऑफ द परमानेंट सीट ऑफ UNCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी जो परमानेंट सीट्स होती हैं उसी से रिलेटेड ये अपोज करता है उस चीज़ को, एक्सपेंशन से रिलेटेड, कि भाई हाँ भी नहीं बढ़ाना चाहिए परमानेंट सीट्स को, हाँ 5 के 5 ही ठीक है, ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं बढ़ानी चाहिए। सेकेंड है कि पाकिस्तान इज द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ UFC, कि वो होता है कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इसका एक फाउंडिंग मेंबर रहा है। तो स्टेटमेंट कौन सी सही है, Only 1, 2, Both 1 and 2 और Neither 1 or 2। चलिए फिर MCQ नंबर 13 को समझते हैं। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिस्पेक्ट टू द वियतनाम, वो ये कहता है भाई वियतनाम से रिलेटेड स्टेटमेंट नीचे दी गई है, उसको समझें। इट इज़ द मेंबर ऑफ मेकोंग गंगा कॉपरेशन, वो ये कहता है कि भाई ये जो वियतनाम जो है स्पेशली मेंबर है मेकोंग गंगा कॉपरेशन का। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि भाई ये इट्स बॉर्डर विद लॉस एंड थाईलैंड एंड कंबोडिया, कि इसका जो बॉर्डर्स लगते हैं वो लॉस थाईलैंड एंड कंबोडिया के लगते हैं। अगर जिसने मैपिंग करी हो तो ये तो क्वेश्चन निकल जाएगा, इसको हिंट आपको मिल सकता है। तो Only 1, Only 2 आखिरी क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, Only 1, Only 2, Both 1 and 2 और नन ऑफ द
अब एमसीक्यू 14 को समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि विच अमंग द गिवन बिलो स्टेटमेंट आर ट्रू। आगे क्वेश्चन कहता है कि भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक ठाक हैं, सही स्टेटमेंट्स हैं। वो कहता है कि लाओस इज अ लैंडलॉक साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया कंट्री। वो कहता है कि भाई लाओस जो है वो लैंडलॉक कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में। वो कहता है मेकोंग रिवर फ्लो थ्रू चाइना म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम। वो कहता है कि भाई जो मेकोंग जो रिवर है वो चाइना से म्यांमार से थाईलैंड से लाओस से कंबोडिया से वियतनाम से बहती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द लाओस। वो कहता है कि भाई आखिर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैंसर मीन्स इन द सेंस बोले तो कर्क रेखा जो पासिस थ्रू वो लाओस से होती है। और वियतनाम इज़ द कैपिटल वियतनाम इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ लाओस। वो ये यहाँ पे ये कहता है। तो स्टेटमेंट्स को कंफर्म करते हैं कि 1, 2, 1, 3, 2, 3 और 1, 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका एमसीक्यू में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ नॉर्डिक काउंसिल। आइसलैंड, आगे वो कहता है कि भाई नॉर्डिक काउंसिल कौन कौन से मेंबर्स इसके नहीं है, आइसलैंड डेनमार्क यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कलादन मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की। वो कहता है कि भाई कलादन मल्टी प्रोडक्ट जो मॉडल ट्रांसिट प्रोजेक्ट रिलेटेड स्टेटमेंट है उसके बारे में कंसर्न करते हैं। इट इज़ द प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया बांग्लादेश एंड म्यांमार। वो कहता है कि भाई सिर्फ जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया बांग्लादेश म्यांमार से रिलेटेड है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली फॉर द नेवल रूट्स। क्वेश्चन ये है कि भाई जो ट्रांसिट प्रोजेक्ट है उसे नेवल रूट्स को ही करता है, सी से ही सिर्फ डोनेट करता है। और थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इट विल रिड्यूस द नीड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स थ्रू द चिकन नेक्स। स्पेशली अगर बात करें जो सिलीकोड का जो कॉरिडोर है उसी को बोलते हैं चिकन नेक्स, तो वो उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट। तो वो आपको कौन से इसमें से स्टेटमेंट जो सही नहीं है, ओनली वन, ओनली टू, वन टू और ओनली टू, सॉरी यहाँ पे आएगा टू एंड थ्री। सॉरी फ्रेंड्स, एक सेकेंड, हाँ टू एंड थ्री। तो नेक्स्ट चलते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर 17, वेयर द सेंकाकू आइलैंड्स लोकेटेड। वो क्या, ये क्वेश्चन है कि भाई सेंकाकू आइलैंड कहाँ पे है, तस्मान सी में, साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, फिर बैरिन सी में। नेक्स्ट है इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि ओपेक से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट बतानी है। ऑल द फाउंडिंग मेंबर्स आर द फ्रॉम एशिया। ओपेक में ये कहता है कि भाई ऑल द फाउंडिंग मेंबर वर फ्रॉम द एशिया एंड इट इज़ द हेड क्वार्टर इन बगदाद। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू और नाइदर वन नॉर टू। तो दोस्तों देखिए, अभी तक हमने यहाँ पे एमसीक्यूज देखे, आई होप आप मुझे इनमें कमेंट्स कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। डेफिनेटली वो क्वेश्चंस रखे हैं एक स्टैंडर्ड, एक यूपीएससी स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं कि मैंने रखे हैं जानबूझ के। बाकी अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम अपने यूएन को। देखिए यूएन की अगर हम बात करें, अब हम फटाफट लेक्चर्स को कंप्लीट करते हैं। देखिए दोस्तों, यूएन से रिलेटेड एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है, हमें हर साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है यूएन से रिलेटेड, चाहे वो बात करें फाई हो, आईएई हो, या फिर आईएमएफ हो, डब्ल्यूएम हो, डब्ल्यूएचओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, आईएमए हो, मेरिन टाइम हो, ये तो आता नहीं है वैसे, बट फिर भी सॉरी कहीं ना कहीं हमें अगर बात करें तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट, हाल ही में वीपो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस में रहा है, वन यूनेस्को भी रहा, कि हाल ही में अगर अमेरिका ने इससे पढ़ला झाड़े कि भाई हम तो इसको इससे बाहर हो गए, तो इससे रिलेटेड कहना कि चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो इन्हीं को बारीकी से जो अभी तक जो न्यूज़ में रहा हम उन्हीं चीज़ को ही लेंगे, ऐसे नहीं कि मैं आपको यहाँ पर सारा का सारा पढ़ाने लग गया, मेरे लिए भी देखना टाइम नहीं है दोस्तों, नहीं आप लोगों के पास इतना टाइम है कि आप इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाएँ। पढ़ाने को मैं सब कुछ पढ़ा सकता हूँ बट उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ पे है कि मिनिमम स्टडी मैक्सिमम आउटपुट, बस। तो उसी चीज़ को, उन्हीं चीज़ को उठाएंगे जो स्पेशली जो चीज़ें जो है, स्पेशली अगर बात करें जो चीज़ें जो है स्पेशली जो न्यूज़ में रही हैं उन्हीं चीज़ को यहाँ पे उठाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए अगर मैं बोलूँ तो देखिए, पहले हम फटाफट एक बेसिक फाउंडेशन चीज़ को समझ लेते हैं कि आगे आखिर जो यूएन है होता है यूनाइटेड नेशन, तो उसको हम कैसे किस तरह समझ सकते हैं। अगर आपको ये चार्ट पूरा याद है तो आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, आप काफ़ी चीज़ें निकल सकते हैं। कि पहले तो ये समझते हैं, देखिए यूएन के अंदर सबसे पहले तो होती है जनरल असेंबली में, जहाँ पे हाँ अभी सभी देश के नेता लोग यहाँ पे आके आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अपने कंसर्न्स को रखते हैं कि भाई ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ें सही नहीं है। जैसे हाल ही के अंदर समझते हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं खुरपेच करता रहता है, और इंडिया से रिलेटेड अगर बात करें यूएन के अंदर चीज़ें उठाता रहता है कि भाई कश्मीर के अंदर ये सारा आतंकवाद इंडिया फैला रहा है, बट ये कहीं ना कहीं पागलबंती करता रहता है। तो कहीं यानी कि अगर ओवर देखा है तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं खुरपेच करता रहता है यूएन के अंदर। इवन दैट अभी हाल ही के अंदर देखें तो यूएन जो जनरल असेंबली के अंदर आपने देखा होगा लेटेस्ट की न्यूज़,
कि इसराइल और पैलेस्तीन का जो इशू हुआ था, जो फाइनली वोटिंग हुई, वोटिंग में ये पता चला कि सभी लोग जो है जो अमेरिका के स्टैंड से खफा थे और इसराइल के प्रति जो है हमेशा जो है एकदम जिसको रॉन्ग डिसीजन बोला गया। और कहीं ना कहीं सभी कंट्रियों ने, मैक्सिमम कंट्रियों ने, कुछ 10 कंट्रियों को छोड़ गया अप्रोक्सीमेटली, इवन दैट इंडिया भी उनके साथ था, कि इंडिया इंडिया ने भी जो है जो पैलेस्तीन का सपोर्ट किया कि भाई पैलेस्तीन के साथ जो है गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे 193 मेंबर्स ऑफिशियली एक कंट्री को एक वोट यहाँ पे जो है दिया जाता है, और इन्हीं वोटिंग के थ्रू ही जो हाँ और ना यहाँ पे कराई जाती है। तो एक तो होती जनरल असेंबली, फिर उसके बाद देखिए फिर सेक्रेटरी जनरल होते हैं, वो अलग चीज़ होती है, इनकी यही सब कुछ डिवोटेड करते रहते हैं। लेकिन इसके बाद जो मैक्सिमम जो फिर यूएन की कुछ एजेंसीज होती हैं, लाइक यूएन के ऑर्गेंस होते हैं, लाइक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूएनपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम हो गया, कुछ फिर से जाए एजेंसीज भी होती है जो इन्हीं के अंडर ही काम, इन्हीं के यूएन के मैंडेट से ही काम करती हैं, कि एफएओ हो गया, यूनेस्को हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, कुछ इसी तरह इसके कुछ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी होता है। हाल ही के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा फॉर द जावद से रिलेटेड, आपने देखा हो जावद का केस, जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान वालों ने हमारे भारतीय नागरिक को बंद करके रखा है, उसे टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी हमने देखी। इसी साइड टू साइड कहीं ना कहीं इसी का ही अगर पार्ट देखें तो इंटरनेशनल कोर्ट हो गया, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग हो गई, तो इवन दैट द सॉरी फ्रेंड्स खांसी ज़्यादा है। तो इसके बाद इसी इसी जैसे फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होती है सिक्योरिटी काउंसलिंग। सिक्योरिटी काउंसलिंग में देखिए दोस्तों 5 कंट्रीज़ होती हैं, जिसमें चाइना होता है आपका, और आपका ये आपका जो ये फ्लैग है, ये आपका रशिया का फ्लैग है, ये आपका फ्रांस का फ्लैग है, ये आपका यूएसए का फ्लैग है, और ये इंग्लैंड का फ्लैग है। तो कहीं ना कहीं ये परमानेंट जो काउंसलिंग की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं चाइना को, साथ में आपका रशिया को, साथ में आपका फ्रांस को, कहीं ना कहीं यूएसए को, और आपका इंग्लैंड को दे रखा है। अब देखिए हुआ क्या है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसलिंग में इंडिया ने सपोर्ट किया चाइना को भी, ठीक है भाई चाइना को दे दिया जाए, वीटो दे दी जाए, और आज भी जो है चाइना ही इंडिया को आंख दिखा रहे हैं। खैर वो अलग चीज़ें, व्यवहारिक जब मेंस की क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें समझाएंगे। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर त्रिकोण देखा जाए तो इन तीन का त्रिकोण एक तरफ देखने को मिलता है, अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल थोड़ा डेप्थ एनालिसिस करें तो ये तीनों के तीनों, इनकी जो टोली मंडली इनकी एक तरफ रहती है, और ये दोनों दोनों भाई बंधु एक तरफ रहते हैं, तो जिस वजह से कोई भी डिसीजन जो होता है फिर वीटो हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे वीटो का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर 5 मेंबर हैं, किसी ने भी अगर एक के अगेंस्ट कर दिया तो वो चीज़ फिर इंप्लीमेशन नहीं होगी। लेट सपोज मान लो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, पांचों कंट्री ने बोला, पांचों कंट्री मान लीजिए लेट सपोज रशिया ने बोला, फ्रांस ने बोला, यूएस ने बोला, इंग्लैंड ने बोला हाँ ठीक है करना चाहिए, ये खुरपेज कर रहा ज़्यादा, आतंकवाद को ज़्यादा फैला रहा है, लेकिन चाइना बोलता है नहीं करना चाहिए, तो फिर जब इसका डिसीजन नहीं हो गया तो फिर इसका मतलब ये है कि वीटो हो गया, इसको बोलते हैं वीटो करना। तो जब वीटो हो जाता है तो फिर इसमें फिर इनके वोट्स का महत्व नहीं रह जाता, इसमें यह रहता है कि पांचों के पांचों डिसीजंस होंगे जब परमानेंट, जब सबकी हाँ होगी तो ही अटैक होगा पाकिस्तान के अंदर, अदरवाइज अगर एक ने भी अगर ना कर दी तो अटैक वो नहीं होगा, मीन्स फिर उसको वो डिसीजन अमान्य हो जाएगा। तो इसी के जैसे दोस्तों 5 परमानेंट मेंबर्स हुए हैं अभी आज के समय, फिर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स अगर देखा जाए तो इसमें होते हैं यूएन्स के अंदर, जो दो दो टर्म्स के लिए 2 साल के लिए यूज़ करे जाते हैं। इंडिया काफ़ी बार 2 टर्म्स खेल चुका है, कोशिश तो यही है कि G4 के थ्रू, जिसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका है कि भाई हमें भी इंडिया को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इतनी इज्जत दी जानी चाहिए कि आज फाइनली हम लोग भी इतने सपोर्ट में है कि हमें भी परमानेंट काउंसलिंग देनी चाहिए। क्योंकि देख सकते हैं आप कि फ्रांस, अगर आप इंग्लैंड की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो इंडिया के टक्कर में नहीं हो सकते ये लोग, अगर बात करें तो आर्मी के हिसाब से, तो खैर अलग चीज़ें। फिर इसी की वजह से इन्हीं लोगों की पीस कीपिंग फोर्स होती है। तो ओवरऑल यही मैंने शॉर्टकट में आपको समझाया कि अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ कर जाएंगे। बाकी अब इनके ना कभी कभी क्या होता है, इनके हेड्स से रिलेटेड कि इनके डिपार्टमेंट्स कहाँ पे, तो ये अगर आप ये मैप याद रख लेते हैं, या फिर एज इट इज़ अब अपनी कॉपी में अगर इस तरह का मैप बना लेते हैं, ये हो सकता है रिजोल्यूशन थोड़ा ठीक ना हो, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इनके हेड ऑफिस कहाँ पे हैं, ये मैप मैंने उस वहाँ से निकाला। देखिए यूनिसेफ इनका हेड ऑफिस ये रहा, पॉपुलेशन में UNFA, ये देखिए ये इतना आता नहीं, यूनेस्को का देखिए यहाँ पे ये रहा, इसी तरह IMF, ये आप देख लीजिएगा, टूरिज्म में आता है UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसका कुछ रोम के आसपास, फिर UN हैबिटेट जो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा नैरोबी में है, इसी तरह इन्वायरमेंट UNEP का देखिए हाल ही में जो है नैरोबी में है, फिर ये आप सारी सारी चीज़ें देख सकते हैं कि भाई फूड एग्रीकल्चर में जैसे कि FAO हो गया, FDA हो गया, ये इसका हो गया, डेवलपमेंट में आपका देखिए न्यूयॉर्क के आसपास हो गया,
तो अगर आपको ये चीज़ें याद हैं, ये पूरे पूरे ये इस तरह से मैप अगर आपको याद है, तो आप डेफिनेटली काफ़ी कुछ जो है कर जाएंगे। तो खैर ये ओवरऑल मैंने कुछ बेसिक्स टर्म्स बताई, कुछ ज़्यादा खास नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहिए, जस्ट इतना ही कर लेंगे तब भी इनफ होगा। बाकी जो जो चीज़ें करंट में, मैं उन चीज़ों को जो करंट में आगे लेके चलता हूँ, ताकि आपको चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। देखिए हाल ही में ये हुआ कि भाई USA ने विड्रॉल कर दिया यूनेस्को से। तो पहले तो फटाफट हम इसका फटाफट ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या है। देखिए यूनेस्को की जो फुल फॉर्म अगर देखें हम, तो देखिए इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो वैसे तो फुल फॉर्म तो आएगी नहीं, तो कोई खास नहीं है, बट फिर भी याद रखिएगा फॉर द इंटरव्यू पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कभी कभी हो जाता है। तो देखिए यूनेस्को बेसिकली है क्या। देखिए यूनेस्को अगर बात करें तो ये अगेन वही अच्छी अच्छी बातें, प्रोमोटिंग पीस, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रू द इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर प्रोग्राम, वही अच्छी अच्छी बातें जो स्पेशली जो इसके नाम से ही फर्क आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर कहीं ना कहीं चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसमें कुछ 195 मेंबर्स हैं। इसका जो हेड ऑफिस फ्रांस के अंदर है अगर बात करें तो पेरिस के अंदर, उसकी कुछ 5 थीम्स के ऊपर ये बेसिकली जो है फोकस करता है, जिसके अंदर एजुकेशन, नेचुरल साइंस, आपका सोशल एंड ह्यूमन साइंस, फिर कल्चर हो गया, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन हो गया, तो ये सारी सारी चीज़ें। तो लेकिन यूनेस्को में हमें याद क्या करना है। देखिए यूनेस्को में पहली बात तो थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसका हेड ऑफिस जरूर याद करें, ये इतना आता नहीं है, जैसे इन्फॉर्मेशन के लिए रखा। और हाल ही के अंदर जो है US ने विड्रॉल किया है, तो ये जरूर याद रखें कि हो सकता है कि भाई यूनेस्को वाज इन द न्यूज़, विच कंट्री विड्रॉल फ्रॉम दिस, तो कहीं ये जरूर याद रखना US ने ही जो स्पेसिफिक जो है किया है। बस ओवरऑल इसमें और कुछ खास हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं आगे कंसर्न्स को। देखिए यूनेस्को में अगर हम देखें और अगर थोड़ा सा हम चीज़ों को समझें, तो देखिए इसकी जो रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिपोर्ट इन द सेंस, पहली बात तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग। देखिए एजुकेशन आ गया तो समझ जाएंगे, हाँ आदमी जो दिमाग लगा सकता है कि ठीक है ये यूनेस्को से रिलेटेड है, चीज़ें समझ आ रही हैं। लेकिन जब बारी आती है जेंडर पैरिटी इंडेक्स की, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भी यूनेस्को ही बनाता है, यानी कि ये अगर बात करें जो रिलीज़ करता है वो यूनेस्को ही करता है। साइड टू साइड ये कहीं ना कहीं इनिशिएटिव जो है मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं ये भी ही पब्लिश करता है, मीन्स कहीं ना कहीं इसी का ही जो इनिशिएटिव है। साइड टू साइड कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिंग बायोस्फीयर रिजर्व्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जो भी इंपॉर्टेंट है आज के समय एनवायरनमेंट कंसर्न बहुत ज़्यादा है, स्पेशली दिल्ली के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही है सच बताएं तो जिस वजह से ये बहुत अच्छी अच्छी काम जो है कहीं ना कहीं हमें करने को लगता है। साइड टू साइड यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज मिशंस को भी हाल ही के अंदर आप देखें, सीरिया के अंदर भी कुछ ना कुछ खुरपे छुआ था, जिस वजह से यूनेस्को की जो साइट्स थी उसको हानि हुई थी, तो वो भी इंपॉर्टेंट रखता है, वो हम टिटबिट्स में कवर करेंगे उन चीज़ों को। लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज मिशंस हो गया, फिर इसी वजह से इनक्रेजमेंट वर्ल्ड कंट्री टू प्रोटेक्ट नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज साइट्स, जो हमारे विश्व धरोहर की जो साइट्स होती हैं, जो हाँ हमें लगता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो भैया उनको भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करवाता है या फिर करता है, ये ओवरऑल इनकी चीज़ें हैं। तो हाल ही में ये चीज़ें जरूर आप याद करने की जो कोशिश कीजिएगा। चलिए फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखिए समझते हैं कि देखिए UN हैबिटेट अभी हाल ही के अंदर जो हुआ क्या, ये एक UN हैबिटेट है, ये भी UN का ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खी में बना रहा। रीजन इसके पीछे, क्योंकि इंडिया जो इलेक्टेड हुआ है वो एज ए प्रेजिडेंट के तौर पर, इसका जो UN हैबिटेट का जो प्रेजिडेंट होगा वो कहीं ना कहीं 2 साल के लिए इंडिया ही होगा। तो ऑफकोर्स जहाँ पे इंडिया कंसर्न आ जाए, तो UPSC का जो है अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये हॉट एरिया बना रहता है। क्यों? UPSC में हमेशा से जो है अगर बात करें तो इंडिया को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देता ही रहता है किसी भी चीज़ में। तो UN के अंदर एज ए इंडिया से प्रेसिडेंट जा रहा है और UN हैबिटेट के अंदर एज ए प्रेसिडेंट, तो वाकई काबिल तारीफ है। तो इसका स्लोगन ये याद रखिएगा कि देखिए फॉर अ बेटर अर्बन फ्यूचर, ये कहीं ना कहीं इसका स्लोगन टैगलाइन हमें जरूर आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी वही सारी अच्छी अच्छी बातें कि देखिए UN प्रोमोटिंग सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट। अब देखिए हैबिटेट आ गया तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सेटलमेंट से रिलेटेड तो कहीं ना कहीं होगा ही होगा। तो बस वही सारी अच्छी अच्छी बातें कि देखिए पॉवर्टी से रिलेटेड जो अर्बन्स की जो स्पेशली पॉवर्टी से रिलेटेड है और उससे रिलेटेड उसको भी रिमूव करने की कोशिश करता है, एक अच्छा सा समाज बनाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं UN हैबिटेट अगर बात करें तो स्टार्टेड हुआ था 1978 के अंदर, और जो इंडिया है फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, इस चीज़ को भी जरूर याद रखें। हो सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि भाई इंडिया इज इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, नहीं वो स्टेटमेंट जो गलत हो जाएगी, ये जरूर याद रखिएगा कि जो थर्ड टाइम जो स्पेशली जो यहाँ पे होने की यहाँ पे कगार पे है। तो इस चीज़ को भी आप जरूर यहाँ पे याद रखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा UN हैबिटेट को थोड़ा और समझते हैं अच्छे से कि देखिए UN हैबिटेट अगर बात करें तो देखिए ये भी इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, स्पेशली जो UN हैबिटेट का जो फुल फॉर्म अगर हम निकालें इस चीज़ को,
तो ये वहाँ निकल के आता है। ये एक यूएन की एजेंसी है, ये भी अगर बात करें तो इसकी स्टैब्लिश 1976 में वनकॉल में हुई, हैबिटेट फर्स्ट अगर बात करें तो, जो हैबिटेट फर्स्ट अभी अभी क्या है एक्चुअली हैबिटेट टू चल रहा है अगर हम ऑफिशियली बात करें तो इस, लेकिन हैबिटेट वन जो स्टार्टिंग में, अब देखिए हैबिटेट वन और हैबिटेट टू आने में कहीं ना कहीं ट्रिम्स और कट्स हुए हैं, यानी कि ट्रिम किया गया, हाँ भी जो भी बेकार चीज़ें उनको हटा दिया गया और नई नई अच्छी चीज़ों को लाया गया, तो वही यूएन हैबिटेट टू में लाया गया आज के समय। इसी जैसे इसका हेड ऑफिस वही नैरोबी केन्या के अंदर है, और ये कहीं ना कहीं ये जो है यूएन जीसी की जो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उसी की ही इन्वायरमेंट सस्टेनेबल टाउन जो सिटीज़ जो बनानी चाहिए जो स्पेशली फॉर द शेल्टर फॉर ऑल की, उसी को बेसिकली जो है प्रमोट यहाँ पे करता है, और इसमें कुछ खास है नहीं। तो दोस्तों यही मैंने ओवरऑल आपको यहाँ पे जो है यूएन हैबिटेट के बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से जो है डेप्थ के अंदर यहाँ पे बता दिया है। इसी के जैसे दोस्तों और आपका एक आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको एक कंसर्न आता है। देखिए अभी हाल ही में क्या हो गया, देखिए 40F कॉन्फ्रेंस हुई थी अगर बात करें तो जब ये 40F कंसर्न हुई थी तो इसमें जो इसकी जो थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्यों, कहीं ना कहीं फूड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यूपीएससी का भी हॉट एरिया भी जो है अगर बात करें कहीं ना कहीं जो फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो जिस वजह से इस चीज़ को जरूर याद रखें, जो इसकी थीम है बेसिकली अगर बात करें 2018-2019 के लिए, वो क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द अदर एक्टिविटी ऑफ फैक्को, तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। बस बाकी यही है कि देखिए सेशन टू अप्रूव्ड यूएन एजेंसी बाय एनेबल प्रोग्राम से रिलेटेड है, और साथ साइड टू साइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 में कहीं ना कहीं ये भी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड एजेंडा रखता है, उसी वजह से कॉपरेशन करता है, वही सारी जो है अगर बात करें अच्छी अच्छी बातें कुछ इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। बस में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो थीम से रिलेटेड था, और इसमें ये जरूर याद रखिएगा कि FAO जो ये भी यूएन का ही एक तरह से कहीं ना कहीं में पार्ट हमें देखने को, ये एक स्पेशलाइज एजेंसी हमें देखने को मिलती है। इसी की जैसे दोस्तों फिर इसमें हमें ये चीज़ निकल के आती है कि देखिए यूएन की बॉडी है, इट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू द डिफीट हंगर, कहीं ना कहीं ये यही प्रोसेस करता है कि भाई डिफीट जो है हंगर हो। 1945 में एस्टेब्लिश हुई, हेडक्वार्टर्स का रोम इटली में है, और इंडिया इज़ द मेंबर। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है अगर बात करें तो इंडिया भी कहीं ना कहीं हमें मेंबर के तौर पर हमें देखने को मिलता है।